इनकी एज मैक्सिमम तकरीबन अगर ये सर्वाइव का आप बोलें तो ये तकरीबन 8 से 10 साल होती है। वैसे ब्रीडिंग के लिए 5 से 4 महीने में ये रेडी हो जाता है। अच्छा जी जी, और ये कौन से? जी ये अंगूरा है ना, जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया था, माशाल्लाह ये बड़े जायंट साइज के हैं। मतलब रेगुलर अंडे देती है या एक दिन छोड़ कर? असल में जो अच्छी फीमेल होती है ना वो तो रेगुलर भी दे जाती है इनमें मुर्गियों की तरह, लेकिन वो 3-4 एक साथ देती है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पे आ जाती है। कर चुका है ये, एक कलच में इसने 4 बच्चे निकाले थे और एक में 2। अच्छा, मैं गिनी फॉल के माशाल्लाह जो सारे कलर आते हैं ना इनमें सारे कलर मौजूद हैं, सिल्वर भी मौजूद है, वाइट भी मौजूद है और ब्लैक कॉमन। रेट बता दे, क्या रेट होता है नॉर्मली? ये हमने एक सिंपल रेट रखा हुआ है 500 रुपए का एक कबूतर, जिसको कोई भी पसंद है आपको ले जाओ। अच्छा, इस केज में कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं 500 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम भैया, बीफो बर्ड्स की एक और मालूमती वीडियो के साथ मैं उसाम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जैसे कि मैं मौजूद हूँ वीआईपी बर्ड शॉप पर। और इस शॉप की बात करूँ तो माशाल्लाह से रेबिट्स में तमाम वैरायटी, इसके अलावा अंगूरा वगैरह में तमाम वैरायटी, इसके अलावा बर्ड्स में भी वैरायटी है माशाल्लाह से, पिजन्स में भी, फैंसी पिजन्स में भी कुछ वैरायटी है, इसके अलावा हेंस वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी है, गिनी फॉल भी माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फीड वगैरह की बात करूँ तो फीड की भी तमाम वैरायटी, केजेस वगैरह, माशाल्लाह एक अच्छी शॉप है, तकरीबन तमाम वैरायटी शॉप पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह कुछ प्राइस वगैरह मालूम करेंगे रैबिट्स की, बेबीज़ की भी इंशाल्लाह प्राइस वगैरह मालूम करेंगे, बर्ड्स की भी इंशाल्लाह, जो जो यहाँ शॉप पर मौजूद है तमाम के प्राइस वगैरह मालूम करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवक मिल सके। तो चले अब जो है शॉप के ऑनर से बात करते हैं, मैं भी उसामा, वो भी उसामा भाई है, तो चले उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनके पास कौन कौन से बर्ड्स और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनके क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे उसामा? खैर, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। अच्छा उसामा भाई, बताएं क्या क्या होता है आपकी शॉप पर, इस हवाले से थोड़ा बताएं। यार माशाल्लाह से मेरा ज़्यादातर काम है फैंसी का, मेरे पास फैंसी में पूरी मार्केट में अंगूरा नहीं मिलेगा रैबिट, जो मैं जिसका शौक करता हूँ, अंगूरा, लूप और कॉमन रैबिट जितने होंगे, फिर उसके अलावा मेरे पास बेंटम है मुर्गियों में, फिर गिनी फॉल है, फिर रोजीला के अच्छे पेयर आए हुए हैं मेरे पास, रिजेंट पैरेट का भी एक पेयर है, फिशर की भी माशाल्लाह वैरायटी है, अभी थोड़ा गर्मी की वजह से माल कम करा हुआ है वरना, और कबूतर वगैरह, कबूतरों में सारे मेरे पास, ज़्यादातर काबलियों का काम है बड़ा। अच्छा, अच्छा। जो नस्ली काबली होते हैं ना, रामपुरी हो गए, बाजराई हो गए, टेडी हो गए, 35 वाले, सेठ वाले, सारे काबली। और फीड वगैरह भी माशाल्लाह, उसके अलावा माशाल्लाह कैट फूड मेरी शॉप पे मिल जाता है, मछलियों का ऑयल है, फिश ऑयल है, और अपना बर्ड्स के जो बच्चों को फीड करवाते हैं, कैटी, अपना फीडेक्स, सब तकरीबन हर किस्म का सामान मौजूद है। उसके अलावा दाना हमारे पास अच्छी क्वालिटी में, और अपना चकोर के भी बहुत प्यारे मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं, इसके अलावा बिल्लियों का भी मैं काम करता हूँ, पर्शियन वगैरह, पर्शियन कैट, यहाँ पे दुकान में वो जगह नहीं है तो घर में रखी हुई है वो। अच्छा, सारी फैंसी। सही है, मतलब अगर कोई आपको डिमांड करे तो आप दिखा सकते हैं आराम से। जी मैं उसको घर पे विजिट करवा के सारा सेटअप दिखा सकता हूँ। चले सबसे पहले तो रैबिट से स्टार्ट लेते हैं, रैबिट से आ जाए मैं आपको। अच्छा उसामा भाई यहाँ पर बताएं ये कौन से रैबिट हैं? ये कॉमन रैबिट है जो माशाल्लाह से लोग अपने घर में शौक करते हैं ना, कॉमन जो रैबिट होता है नॉर्मल, ये वो वाले हैं। तो इनमें क्या प्राइस है, ये डिमांड बताएं? ये इनकी डिमांड है कि हम लोग शॉप से बेच रहे हैं अच्छा ब्रीडर पेयर 1500 रुपये का। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो लास्ट 1400 में दे देते हैं। अच्छा 1400 में भी दे? जी सही है। अच्छा ये इनकी एज क्या होती है वैसे? इनकी एज मैक्सिमम तकरीबन अगर ये सर्वाइव का आप बोलें तो ये तकरीबन 8 से 10 साल होती है। वैसे ब्रीडिंग के लिए 5 से 4 महीने में ये रेडी हो जाता है। अच्छा जी जी। और एक क्लच में कितने बच्चे होते हैं? एक क्लच में अगर अच्छा प्यार है तो तकरीबन 8 बच्चे निकालेगा। अच्छा, वरना मिनिमम 4 तो कंफर्म है। वो देखें वो बच्चे निकले हुए, वो आप उस तरफ, वो छोटे वाले जो है वो उस माता के ही बच्चे हैं 4। सही, मतलब यहीं पे ब्रीड कर जी। सही, तो बच्चों की अभी फिलहाल क्या एज होगी इनकी? बच्चों की एज है ये 1.5 महीने के हैं। अच्छा माशाल्लाह, सही, चले आगे भी देखते हैं। अच्छा यहाँ पर बताएं उसामा भाई ये कौन से हैं? ये कॉमन रैबिट है, उसी के कलर हैं ये। अच्छा अच्छा, उसी में जी, ये फोन कलर का है। तो इस पेयर की क्या डिमांड कर रहा है? इस पेयर की भी वही सेम डिमांड है। अच्छा एज क्या होगी इनकी? एज तकरीबन इनकी है 3 महीने। 3 महीने। और मेल फीमेल इनमें कंफर्म हो जाता है? मेल फीमेल कंफर्म हो जाता है, वही बकरा बकरी वाला इसमें हिसाब है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से जो आप उल्टा करके आराम से चेक कर सकते हैं। अच्छा सही, तो बच्चों में भी, मतलब जी बच्चों में भी आराम से पता चल जाता है। सही है, जबरदस्त। अच्छा यहाँ पर बताएं ये कौन से? ये इसी का दूसरा कलर है, इनकी एज थोड़ी बड़ी है, ये तकरीबन 4 महीने के। ये डबल कलर में? जी डबल कलर में। सही है, वैसे कौन सा कलर? मेल फोन कलर का है और फीमेल वही वाइट रेड आई लगाई हुई है। और वाइट है, रेड आई में? रेड आई में जी। सही है दादा, इसकी भी 1400 रुपये डिमांड जी। अच्छा यहाँ पर भी माशाल्लाह से ये भी अच्छे लग रहे हैं, फुल वाइट है ये भी जी। ये वाइट का पेयर है, रेड आई का पेयर है, ये भी तकरीबन 4 महीने का पेयर है, इसके अच्छा, भी वही सेम प्राइस है रेड आई में जी। रेड आई में? सही है दादा। अच्छा उसामा भाई यहाँ पर बताएं, ये भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये कौन से? जी ये अंगूरा है ना, जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया था, माशाल्लाह ये बड़े जायंट साइज के हैं। तो अभी ये क्या ब्रीडर है? जी ये ब्रीडर पेयर है, फीमेल इसकी प्रेग्नेंट है। अच्छा माशाल्लाह।
अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इसके बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ की ब्रीड है ये? ये अमेरिकन है, अमेरिकन अंगूरा। ये मेल है, ये मेल है जी, वाली वो फीमेल है। आइस भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगी। आइस भी और इनका फर भी बहुत बड़ा हो जाता है, और ये फर जो है ना अपना एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा अच्छा जी, इसका लोग घर में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, इसका फर उतर के एक्सपोर्ट होता है। अच्छा मतलब ये वही पर्शियन के हिसाब से? जी पर्शियन, पर्शियन से भी, यानी ये देखें चीज़ ही माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। फेस भी पकता है प्यार जी। तो ये पूरा पेयर है? जी पूरा पेयर है। तो इसकी क्या डिमांड करें इस पेयर की? सर इसकी डिमांड कर रहा हूँ मैं 20,000। 20 का पेयर पड़ेगा जी। ब्रीड कर चुका है पहले? ब्रीड फर्स्ट ब्रीड करेगा, फर्स्ट ब्रीड करेगा। इसके माँ बाप हो यानी कि बैंडेड थे, अमेरिकन बैंडेड थे, यानी बाहर से आते हैं ना, इम्पोर्टेड मतलब जी। तो उन्हीं के ये बच्चे जी। सही है। अच्छा उसाम भाई यहाँ पर बताएं ये कौन सा है? ये फैंसी है, बेंटम, ब्लैक बेंटम। ब्लैक बेंटम जी, ब्लैक बेंटम का मेल है ये। जी मेल है। तो इस मेल की क्या डिमांड कर रहे हैं? इस मेल की डिमांड कर रहे हैं हम 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का मेल पड़ेगा जी। फीमेल भी थी इसकी साथ में, वो एक आज एक बंदा जबरदस्ती ले गया। तो मेल बिल्कुल ब्रीडर मेल है? जी ब्रीडर मेल है, कन्फर्म। सही है। अच्छा उसाम भाई यहाँ चकोर भी मौजूद है जी, बारे में बताएं जी। ये चकोर है, ये माशाल्लाह हमारे घर के अपने पट्टे हैं। अच्छा फार्मी चकोर है ये, इनके बच्चे निकलवाए थे अंडों में से, तो अब ये बड़े हो गए माशाल्लाह, चार चार महीने के। ये आपके होम ब्रीड है? जी माशाल्लाह होम ब्रीड है। तो इसमें मेल फीमेल का क्या पहचान होती है? इसमें मेल फीमेल की ये पहचान होती है कि जो फीमेल होता है, फीमेल होती है उसका थोड़ा सा हेड से भी बताती है अपने, और जो जिस तरह मुर्गों में खुर होते हैं ना, अच्छा अच्छा, हल्के हल्के से निशान होते हैं नरों पे, पूरे तो नहीं होते हैं लेकिन हल्के हल्के होते हैं। तो मैंने सुना इनमें फीमेल में भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है? फीमेल में आ जाते हैं, लेकिन फीमेल का मैंने बताया ना आपको, हेड थोड़ा सा पतला होता है नर के बनिस्बत, नर का मादा छोटी होगी जी। तो उससे मतलब उनकी हरकतों से भी पता जी। अब जैसे ये दोनों पड़ी हुई हैं, दोनों फीमेल हैं, और जो ऊपर अच्छा। हमारे पास पड़े हुए हैं वो दोनों मेल हैं, बड़े साइज के अलग ही रखे हुए। अच्छा। ये दोनों मेल हैं अच्छा। और वो दोनों फीमेल हैं, और ये फीमेल अंडे भी दे रही हैं। अच्छा अंडे दे जी। सही है। तो मतलब रेगुलर अंडे देती है या एक दिन छोड़कर? असल में जो अच्छी फीमेल होती है ना वो तो रेगुलर भी दे जाती है इनमें मुर्गियों की तरह, लेकिन वो 3-4 एक साथ देती है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पे आ जाती है। अच्छा तो ये सीजन वाइज होता है या पूरा साल अंडे देती है? नहीं सीजन वाइज होता है, जब इनका सीजन आता है ना तो ये अपने सीजन पे अंडे देती है गर्मियों में जी। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये पेयर में सेल आउट कर रहा हूँ 8,000 का। 8,000 रुपये का ब्रीडर पेयर जी, जिसमें फीमेल अंडे देती है जी। सही है। अच्छा उसामा भाई यहाँ पर बताएं, रोज़ीला भी माशाल्लाह से मौजूद है जी, तो इसके बारे में बताएं, एज वगैरह बताएं। ये अपना ब्रीडर पेयर है। अच्छा, दो दफ़ा ब्रीड कर चुका है ये। एक क्लच में इसने 4 बच्चे निकाले थे और एक में 2। अच्छा अच्छा जी, बहुत बेहतरीन लगा हुआ साइड पेयर है, दोनों मतलब रेड हो गए जी। सही। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड कर रहे हैं हम 40,000 रुपये। 40,000 रुपये ब्रीडर पेयर जी, ब्रीडर पेयर है। सही है। अच्छा इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है? सर वो तो जब आएंगे तो वो तो कर देंगे, जो भी होगा ना कस्टमर आएगा, जो कस्टमर आएगा। सही है। अच्छा उसामा भाई यहाँ पर कुमरी मौजूद है? जी कुमरी मौजूद है, और इसको फाख्ता भी बोलते हैं। फाख्ता बोलते हैं। सही। तो इनमें प्राइस वगैरह बताएं? ये 1500 का पेयर है। 1500 रुपये जी। इसमें तो मेल फीमेल कंफर्म हो जाता है? इसमें तो मेल फीमेल कंफर्म हो जाता है, इसमें मेल जो है ना कबूतर की तरह बकायदा मस्ती भी करता है। अच्छा अच्छा। हाँ कू कू करके बकायदा फुल मस्ती करता है। सही। तो ब्रीडर पेयर होगा 1400 जी, ब्रीडर पेयर होगा। सही है। अच्छा ऊपर इसके और भी कलर मौजूद है? जी वो इसी का वाइट कलर है, वो रेड रेड आई में, प्योर वाइट है जी, प्योर वाइट है, रेड आई। सही। तो इसकी भी डिमांड हमने भी इसकी डिमांड भी सेम ही रखी हुई है। अच्छा, यानी कि कोई भी, मतलब हाँ, कोई भी कलर ले रहे हैं आप, ले लें पसंद कर लें, तो सेम डिमांड है हमारी है। तो ये भी मतलब पूरा साल अंडे देते हैं ये? माशाल्लाह नहीं पूरा साल, ये पूरा साल ब्रीड करता है। इनकी कबूतरों वाली सेम ब्रीड है, और ये कबूतर ही की नस्ल है। सही। अच्छा जैसे ये मेल मस्ती कर रहा है, जैसे मेल पूरी टेल खोल के मस्ती कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ ये देखें आप, बकायदा डव डव अपनी दुम खोल। जी 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 जी, सेम सेम सेम। सही है, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर बताएं, बड़ा यूनिक कलर लग रहा है माशाल्लाह, ये कौन सा है? जी ये रीजेंट पैरेट की फीमेल है। अच्छा ये फीमेल, इसका मेल और ज़्यादा प्यारा होता है, वो गर्मी की वजह से ज़रा मेल थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अलग खराब है। तो ये फीमेल है? जी ये फीमेल है। सही है। तो ब्रीडर फीमेल है या अभी रेड ब्रीड है? ये ब्रीडर फीमेल है। सही। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं फीमेल? इसकी डिमांड कर रहे हैं 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की फीमेल पड़ेगी जी। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा इसका मेल अगर कोई आपसे डिमांड करता है तो वो भी मिल जाएगा? जी वो भी मिल जाएगा। सही है, ज़बरदस्त। सर उसामा यहाँ पर बताएं, ये फिशर भी मौजूद है? जी माशाल्लाह फिशर का पेयर है ये। अच्छा तो क्या डिमांड कर रहे हैं फिशर की? फिशर के पेयर की हम डिमांड कर रहे हैं 3,000। 3,000 जी। मतलब यहाँ पे तकरीबन 6-7 पेयर लगे हैं, मतलब सबकी सेम, सबके सेम प्राइस। अच्छा उसाम भाई यहाँ बजरी में बताएं क्या रेट चल रहा है फिलहाल? बजरी में अभी जाल रेट चल रहा है, हम लोग खरीदारी कर रहे हैं 600 रुपये में पट्टा और 700 रुपये में बड़ा। अच्छा जी। सही। और 800 रुपये में हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। 800 रुपये के सेल जी। अच्छा उसामा भाई ये कौन सी वैरायटी है? ये है अपना ये पाइट कलर में आ जाता है। अच्छा ये पाइट और वाइट का क्रॉस है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कलर।
तो इसमें ये क्या मेल फीमेल है? जी मेल फीमेल है। सही, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 1500 रुपये। और एज क्या होगी इनकी? एज 3 महीने। 3 महीने की जी। सही है बाबा। अच्छा उसामा, यहाँ डक भी मौजूद है जिसके बारे में बताएं, ये कौन सी है? ये डक है अपना कॉमन डक जो होती है, छोटी नॉर्मल, और ये मेल है। ये मेल है जी। सही है, तो इस मेल की क्या डिमांड कर रहे हैं? इस मेल की डिमांड कर रहे हैं हम 1000 रुपये। तो ब्रीडर मेल होगा ये? ब्रीडर मेल है। तो साहब यहाँ पर गिनी फॉल भी माशाल्लाह से मौजूद है, तो इनके बारे में बताएं। असल में गिनी फॉल के माशाल्लाह जो सारे कलर आते हैं ना, इनमें सारे कलर मौजूद हैं। सिल्वर अच्छा, भी अच्छा, मौजूद अच्छा। है, वाइट भी मौजूद है, और अच्छा, ब्लैक कॉमन। सही, सबसे ज्यादा इसमें एक्सपेंसिव है वाइट वाला। अच्छा, पेयर है 4000 का पेयर। 4000। उसके बाद सिल्वर वाला है, लाइट सिल्वर, इसमें जो कलर घूम रहा है वो 3000 का। उसके बाद कॉमन है, हाँ ये 2500 का पेयर है, कॉमन 2500 जी। सही है, इसमें मेल फीमेल का एक ही जैसा कलर होता है, थोड़ा लाइट डार्क? इसमें मेल फीमेल का सेम कलर होता है, इसमें बहुत मुश्किल से पहचान होती है। और अच्छा, इसकी वो पहचान है, हाँ मेल का ताज जो होता है ना सर का, अच्छा, वो थोड़ा बड़ा होगा फीमेल से। फीमेल से हाँ, तो ये बस पहचान है, ये बस। इसके अलावा और कोई पहचान नहीं? इसके अलावा और कोई पहचान नहीं। सही है, तो इनमें क्या डिमांड कर रहे हैं आप पेयर की? इसमें डिमांड कर रहे हैं वाइट वाले की पेयर की 4000 रुपये, अच्छा, सिल्वर वाले की 3000, और ब्लैक वाले की 2500। ये बड़े हैं बिल्कुल गिनी फॉल? ये बड़े हैं बिल्कुल, ये बड़े हैं बिल्कुल, ब्रीडर हैं अंडे वाले। अच्छा उसामा भाई, कबूतर में भी माशाल्लाह अच्छी खासी वैरायटी, तो यहाँ पर बताएं जी। इसमें माशाल्लाह काबली कबूतर पड़े हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, जी काबलियों में अपना इसमें मोती वाले पड़े हुए हैं, रामपुरी कबूतर पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, इसमें चूहे कबूतर भी पड़े हुए हैं। अच्छा, और कलसिर हैं, छापदार हैं। तो इसमें पियर लगे हुए होते हैं या फिर मेल? सिंगल सिंगल होते हैं ना, जो कस्टमर आते हैं अपनी पसंद का कबूतर निकाल के ले आते हैं, मतलब किसी को फीमेल चाहिए किसी को मेल चाहिए उस हिसाब से जी। सही है, तो ब्रीडर होते हैं या पट्टे होते हैं? ये बड़े भी होते हैं इसमें और पट्टे भी होते हैं, दोनों होते हैं। सही है, तो इनमें एक रेट बता दें, क्या रेट होता है नॉर्मली? ये हमने एक सिंपल रेट रखा हुआ है 500 रुपये का एक कबूतर। कोई भी, कोई भी पसंद है आपको ले जाओ। अच्छा, इस केज में कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं 500 रुपये का पीस जी। अच्छा सही है, अच्छे माशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई, यहाँ पर पिजन में ये कौन सा पेयर है? ये माशाल्लाह है चूहे का पेयर है ये। अच्छा अच्छा सही है, चूहा की ब्रीड होती है वैसे? ये अपना यही की ब्रीड है अभी। अच्छा, तो फिलहाल वैसे ये है कि हाँ सियालकोटी भी इसे बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा सही जी, तो प्योर ब्रीड होती है? प्योर ब्रीड होती है। सही है, तो इस पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं? इस पेयर की डिमांड है 5000 रुपये। 5000 रुपये का पेयर पड़ेगा। सही है, तो फीमेल अंडे दे चुकी है पहले जी? सही है। अच्छा उसामा भाई, यहाँ पर बताएं ये इस पेयर के बारे में। ये अंबर सिर है, कबूतर है, पूरा पेयर है मेल। अच्छा, इसका अंडों पे बैठा हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सही, ये मेल इसका अंडों पे बैठा हुआ है। कितने अंडे दिए हुए इस पेयर ने? इसने 2 अंडे दिए हुए। सही है, अच्छा अंडों के साथ इसके प्राइस वगैरह बताएं। ये पेयर आपको पड़ेगा 10000 रुपये का। 10000 रुपये का अंडों के साथ 2 अंडे? हाँ, इनका एक पट्टा भी निकला था बहुत प्यारा, वो मैंने दूसरों में अंडा रख के उसका बच्चा निकलवाया था, अगर आप बोले तो वो मैं निकाल के दिखाऊँ। फूस्टर है वो? फूस्टर किया था आपने, यानी कि वो बहुत अच्छा, यानी कि इन दोनों का पट्टा भी एक निकला हुआ बच्चा इसी पेयर का? इसी पेयर का, मतलब गारंटेड ब्रीडर जी? गारंटेड ब्रीडर है। सही, अगर वो बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। चले वो भी देख लेंगे। ये अपना ब्लैक शोल्डर है। अच्छा ब्लैक शोल्डर जी, इसका अपना मादा इसकी अंडों पे बैठी हुई है। अच्छा, नर थोड़ा सा इसका वो ये अपना जो मौसम चल रहा है ना थोड़ा सा, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। सही है, तो अभी अंडे दिए हुए इस पेयर ने? जी अंडे दिए हुए। तो क्या क्या डिमांड करें इस पेयर की? इस पेयर की डिमांड है अपना 4000। 4000 जी। सही है, मेल मतलब सेट हो जाएगा कोई? सेट हो जाएगा वो, उसका मेडिसन उसको दे दी। अच्छा अच्छा, कौन सा पियर हम देखें? ये सियालकोटी कबूतर है। ये भी सियालकोटी? हाँ। सही है, इसका मेल जो प्याले में वो मेल है इसका? जी वो फीमेल है जो अंडों पे बैठी है, मेल ऊपर है। अच्छा मेल ऊपर वाला जो मस्ती कर रहा है। सही सही, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इस पेयर की? इस पेयर की हम डिमांड कर रहे हैं 8000। और इसने भी अंडे दिए हुए? जी इसने भी अंडे दिए हुए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई, ये पेयर के बारे में बताएं, इसने माशाल्लाह अंडे दिए हुए? ये माशाल्लाह मोती वाला पेयर है। मोती वाले का पेयर है। सही, तो इसमें मेल कौन सा है? मेल इसमें फीमेल वो है जो अंडे अंडे की तरफ हो और मेल हो रहा उस तरफ। इसी के अपने अंडे? जी इसी के अपने अंडे। सही है, तो इस पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं? इस पेयर की डिमांड कर रहे हैं हम 10000 रुपये। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ मैं देख रहा हूँ तकरीबन या तो अंडे दिए हुए या फिर बच्चे आए हैं माशाल्लाह, सारे लगे हुए पेयर। ये तो है हकीकत है कि हम साइड पेयर देते हैं बिल्कुल। सही सही बात है, चल अच्छी बात है। अच्छा उसामा भाई, ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से पेयर है, तो इसके बारे में बताएं कौन सा ये? ये है अपना छापदार कबूतर। अच्छा ये छापदार है जी, छापदार कबूतरी इसकी फीमेल है, मैली आँख की कबूतरी, और नर इसका जो है कलसिर है। कलसिरे में मेल पेयर, इस वजह से देख के हमने लगाया कि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ान वाले। अच्छा अच्छा जी, तो कितनी टाइमिंग होती है वैसे इनकी उड़ान? तकरीबन अगर आप जैसे ये 7:00 बजे उड़ा रहे हैं तो इसके पट्टे अगर 7 यानी शाम में तकरीबन 6-7 बजे ही उतरेंगे। अच्छा जी, मतलब जो है जितनी देर रोशनी रहती है उतना जी, बिल्कुल। ये उड़ान में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा सही,
अभी इसने अंडे दिए हुए? जी इसने भी अंडे दिए हुए। नहीं इसने ये अंडे नहीं दिए, इसने ये अंडे देने वाली है। अच्छा देने वाला है भाई। तो स्पीयर की क्या डिमांड कर रहे हैं? स्पीयर की डिमांड कर रहे हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का पियर पड़ेगा जी। अच्छा उसामा ये कौन सा पियर हम देख रहे हैं? ये कसूरी कबूतर है। ये कसूरी है हाँ। तो इसमें मेल बाहर वाला है? ये मेल ही है जिसकी, यानी कि आप वो बना रहे हैं जी। और प्याले में इसकी फीमेल बैठी है। इसने अंडे दिए हुए स्पीयर ने? जी इसने भी अंडे दिए हुए। सही। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड कर रहे हैं हम 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का पियर पड़ेगा जी। सही है। दो अंडे दिए हुए इसने जी। सही है माशाल्लाह। अच्छा भैया यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है देसी के चूज़े भी मौजूद है, गंजी नस्ल के जो होते हैं, इसके अलावा नॉर्मल जो देसी होते हैं देसी मिस्री, तो वो भी माशाल्लाह से यहाँ पर चिक्स मौजूद है। तो उसामा से इसके जो रेट वगैरह मालूम करते हैं, उसके बाद जो इंशाल्लाह मेडिसिन की तरफ थोड़ा देखेंगे और क्या मोबाइल नंबर भी ले लेंगे। ये देसी के कॉमन बच्चे हैं तकरीबन, ये 2-2 महीने के बच्चे हैं। 100 रुपये अच्छा, का एक चूजा है ये। 100 रुपये का एक बच्चा पड़ेगा। अच्छा वैसे ऐसा होता है मार्केट में सिर्फ मेल ही मेल होते हैं, लोग ले जाते हैं सिर्फ मेल ही निकलते हैं? तो ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। मेल फीमेल दोनों? कन्फर्म मेल फीमेल दोनों। सही है। तो अभी इस एज में आप मेल फीमेल निकाल कर दे सकते हैं? जी क्योंकि मेरा भी फैंसी पोल्ट्री से थोड़ा काम है, तो मतलब मुझे फीमेल नज़र आ रही है इसमें, ऐसा नहीं है सिर्फ मेल। सही। तो 100 रुपये का कोई भी बच्चा लेना चाहिए? बच्चा लेना। सही है। सही। अब यहाँ पर क्या क्या होता है यहाँ पर भी बताएं? यहाँ पर परिंदों की तमाम किस्म की मेडिसिन है, ब्रीडिंग की, स्टीम की, हेल्थ की, अगर बीमार हो रहे हैं उनकी, कैल्शियम की, उसके अलावा बिल्ली का कैट फूड है हमारे पास, टारगेट का, मियाऊ का, प्योर लव का, हर किस्म का जी। और तोतों के बच्चों की फीड है, मिक्स ग्रिड है, कबूतरों की परवास के लिए जो है पावर प्लस भी रखा हुआ है हमारे पास। अच्छा अच्छा। उसके अलावा उनमें जुएँ हो जाती हैं तो वो भी है, और इसके अलावा तमाम किस्म के बर्तन अच्छा जो अच्छा, पिंजरों में लगते हैं, फीडर वगैरह, फीडर वगैरह एक एक चीज़ यानी कि आपको हमारे पास से मिल जाएगी और मुनासिब रेट में। इसके अलावा फीडेक्स वगैरह ये सब भी मौजूद है? जी बिल्कुल, फीडेक्स भी मौजूद है और अपना अजवा भी है और अपना कैटी भी मौजूद है हमारे पास, सारी फीडें मौजूद हैं। और फिश वगैरह का? फिश का भी सारा दाना हमारे पास से मिल जाता है माशाल्लाह। तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद है शॉप पर जी। चले अब जो आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। क्या उसामा भाई माशाल्लाह से तकरीबन तमाम वैरायटी है, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ लेके जाएगा इस तरीके की माशाल्लाह वैरायटी है जी। तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें और शॉप वगैरह का थोड़ा लोकेशन समझा दें। शॉप तो अपना ये मेन बफरदोन मार्केट में जो परिंदों की बर्ड्स मार्केट है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा मोबाइल नंबर है मेरा 0305-202-1377। सही। एक दफ़ा फिर से बता दें 0305-202-1377। वी आई पी बर्ड सेंटर के नाम से शॉप है और अपना ये शफीक मोड़ पे जो बर्ड्स मार्केट है दियारे शीरीन है। अच्छा, उसके सामने ही कॉर्नर की शॉप है, मिठाई की जो दुकान है। अच्छा अच्छा। सही। तो मतलब टाइमिंग भी बता दें इस हवाले से ताकि टाइमिंग सुबह हमारी शॉप खुलती है 11 बजे से और रात अलहमदिल्ला 11 बजे तक हम बैठे हुए होते हैं। सही। तकरीबन 7 दिन होती है ओपन जी। कोई यानी कि जानदार परिंदों का काम है ना, दाना पानी करना होता है, तो कोई हमारी छुट्टी नहीं है। सही है। तो फ्राइडे को मतलब फ्राइडे की भी टाइमिंग बता दें? फ्राइडे को हम लोग नमाज़ पढ़ के 3 बजे तक शॉप ओपन कर लेते हैं। 3 बजे मतलब खुल जाए जी। सही है। चलिए ठीक है उसामा भाई, जो भी हमारा व्यूअर आए आपकी शॉप पर आए तो जो हो सके आप आपके रेफरेंस से आएगा तो हम उसको खास डिस्काउंट देंगे, वो आपको बताएगा अभी। सही। चले ठीक है उसामा भाई, बड़ी मेहरबानी भाई, अल्लाह भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी बस आज के मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीआईपी बर्ड शॉप के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी, हमने कोशिश की जो जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है तमाम चीज़ें जो है कवर कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर बड़ा मज़ा आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो ठीक है भैया, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।